के भाई रिंकू इस वक्त हमारे साथ हैं। रिंकू जी, गोवा पुलिस आज पहुंची फ्लैट पर, क्या कुछ तफ्तीश के दौरान सामने आया? गोवा पुलिस ने तो लगातार पांचवें दिन वही फाइनेंशियली जांच हो रही है यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर, लेकिन मर्डर के मेन मोटिव को सामने नहीं लाया गया है। हरियाणा में जो गोवा पुलिस की टीम भेजी गई है वो सिर्फ एक प्रॉपर्टी के एंगल से भेजी गई है, ना कि मर्डर के तौर पर। ये कहा जा रहा है कि कुछ ज्वेलरी मिल रही है, एक पासपोर्ट भी अंदर से बरामद हुआ है। हाँ, उसमें सोनाली जी का पासपोर्ट है और एक मोबाइल है और कुछ ज्वेलरी है उनकी। अच्छा, गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी है, सफारी गाड़ी जो सोनाली फोगाट की है, क्या उसके अंदर से भी कुछ बरामदगी हुई है? नहीं, उसमें वैसे तलाशी ली गई है लेकिन उसमें कुछ बरामदगी नहीं हुई है। आज सुबह सुधीर सांगवान के घर भी गए थी गोवा पुलिस, क्या वहाँ से कुछ अहम सुराग मिले, क्या वहाँ से कुछ निकाल के लाई है गोवा पुलिस? अहम सुराग तो जब मिलेंगे जो पुलिस कोशिश करेगी, पुलिस सिर्फ कोशिश यही कर रही है गोवा पुलिस कि इनकी प्रॉपर्टी कितनी है, कहाँ इन्हें इन्वेस्ट कर रखा है, कहाँ इनका लेन देन है, सिर्फ इसी बात पर। अच्छा, आप लोग अभी भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, अभी भी आपका कहना है कि प्रॉपर्टी के एंगल से जांच हो रही है, आखिरकार जांच किस एंगल से होनी चाहिए और क्या आपने ये बात मुख्यमंत्री से कही है, क्या ये बात गोवा पुलिस के सामने आपने कही है? हमारा केस प्रॉपर्टी को लेकर नहीं है, यहाँ पर मर्डर हुआ है और मर्डर के एंगल से ही जांच होनी चाहिए। हमारे पास CBI जांच की आप मांग कर रहे हैं, क्या आप अभी भी वही मांग कर रहे हैं, क्या मुख्यमंत्री से मिलेंगे उसके लिए? मुख्यमंत्री साहब से कल हमारी बातचीत हो गई थी, हम चंडीगढ़ गए थे लेकिन एक जीरकपुर में जाम के कारण हम मिल नहीं पाए, लेकिन हमारा संदेश CM साहब तक पहुंच गया था और CM साहब ने JP नड्डा जी से, कल JP नड्डा जी का कार्यक्रम था पंचकुला में, तो उसके दौरान JP नड्डा जी से बात हुई तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है संदेश के माध्यम से कि इसकी CBI जांच ही करवाएंगे। लगभग 4 दिन से गोवा पुलिस हरियाणा में जांच कर रही है, क्या माने कि हरियाणा की जांच अब खत्म हो चुकी है, अब गोवा पुलिस गोवा के लिए दोबारा रवाना होगी या फिर यहाँ पर जाँच की जाएगी, तो और कोई स्थान ऐसा है जहाँ पर जाँच की जा सकती है? ये तो उनका जो 10 दिन का रिमांड मिला है वो टाइम पीरियड निकाल रहे हैं और जिस तरह हरियाणा के लोग गोवा में जाते हैं पैकेज के थ्रू, उसी तरह गोवा पुलिस भी हरियाणा में पैकेज के थ्रू ही आई है। क्या चाहते हैं आप, क्या मांग कर रहे हैं आखिरी में? हम CBI जांच की मांग करते हैं जी। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर रिंकू ढाका ने CBI जांच की मांग की है, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि जैसे यहाँ के लोग गोवा में एक पैकेज लेकर जाते हैं, ऐसे ही पैकेज लेकर गोवा पुलिस हरियाणा में घूमने आई है और सिर्फ प्रॉपर्टी के एंगल से मामले की जांच की जा रही है, हत्या के एंगल से मामले की जाँच नहीं की जा रही है, जिसको लेकर एक बार फिर से CBI जांच की मांग की गई है। गुरुग्राम से कैमरा पर्सन जयदेव के साथ करण जयसिंह, टोटल न्यूज़।